चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट 0, 0, a/2 एंड 0, 0, -a/2 यानी जेड एक्सिस पे है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज, ठीक है, इज मूव फ्रॉम माइनस, अच्छा एक्स एक्सिस से मूव कराया जाता है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे। चलो ठीक है, तो एक्सिस बना लेते हैं, सबसे पहले एक्स वाई और जेड एक्सिस बना लेते हैं। तो वर्क डन का पहले फॉर्मूला लिख लें, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ये पॉइंट चार्ज है आपका, है ना, पॉइंट चार्ज, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है यहां से। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल पता कर लो और इस फॉर्मूले में रख दो, और क्यू चार्ज का, क्यू नॉट चार्ज की वैल्यू रख दो, वैल्यू नहीं दिया है वैसे, क्यू नॉट ही मान लेते, पॉजिटिव है, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा कैसा होगा वो तो वी फाइनल और वी इनिशियल की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा। तो आप बनाते हो सबसे पहले, हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, इधर एक्स कर देते हैं, इधर वाई कर देते हैं, इधर जेड कर देते हैं। अच्छा, ये तो पॉजिटिव सारे डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन बना लेते हैं, इधर एक्स डैश कर देते हैं, नीचे हम वाई डैश कर देते हैं, वाई डैश कर देते हैं, और इस तरफ जेड डैश कर देते हैं। ये ओरिजिन है आपका, यहां पर ओरिजिन है। तो दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहां रखे हुए हैं, जेड एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो जेड एक्सिस पे कहां, ये मान लेते हैं 0, 0, +a/2 और यहां मान लेते हैं दूसरा रखा हुआ है 0, 0, -a/2, ठीक है। इस पॉइंट को a कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को b कंसीडर कर लेते हैं, करेक्ट है। यहां पर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव प्लस कैपिटल Q और यहां पर माइनस कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी, करेक्ट। चलो वर्क डन, अब दूसरा जो टेस्ट चार्ज है वो माइनस ए, ये पॉइंट है -a, 0, 0, -a, 0, 0, यहां पर सी पॉइंट मान लो और ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से चार्ज मूव कराया जाता है 0, a, 0, ये पॉइंट होगा 0, a, 0, इसको सी पॉइंट, डी पॉइंट मान लो, सी इधर मान लिया, ये पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है, ये पॉइंट आपका फाइनल पोजीशन है। तो इस पॉइंट का, सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल कंसिडर पता कर लो और फाइनल पॉइंट यानी डी पॉइंट का पोटेंशियल पता कर लो और ये वैल्यू यहां रख दिया जाए, ठीक है, करेक्ट है। तो सबसे पहले सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सीबी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के सोर्स चार्ज की वजह से प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, एसी प्लस इस बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना होगा, बी पॉइंट पे चार्ज है माइनस क्यू अपॉन बीसी, ठीक है, ये सी पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया। अब डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, देखो डी पॉइंट यहां है, इस पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो सबसे पहले के प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, एडी, एडी, और उसके बाद के माइनस क्यू अपॉन बीडी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस एसी की वैल्यू कितनी होगी, एसी की वैल्यू होगी यहां 90 डिग्री बन रहा है इस ट्रायंगल में, अगर इसको ट्रायंगल कंसीडर करो, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस है, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए बाई टू, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर यानी फाइव ए स्क्वायर बाई फोर होगा,
या तो ऐसे लिखते हैं ए रूट फाइव बाई फोर, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी, बी सी, बी सी भी वही होगा, देखो जरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर यानी ए रूट फाइव बाई फोर। तो अगर देखा जाए ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी और ये कट जाएंगी, जीरो आ जाएगा पोटेंशियल आएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ए डी और बी डी की वैल्यू निकालो, ए डी कहाँ है, ए डी, ए डी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये ए बाई टू, ये बाई टू, फिर से वही, इसमें भी वही होगा, ए डी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसमें बी ए रूट फाइव बाई फोर आएगा, और आप जब बी डी की वैल्यू निकालोगे, बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू भी एग्जैक्टली ए रूट फाइव बाई फोर आएगा, इस वजह से ये वैल्यू भी एक्चुअली कट जाएगी और ये भी जीरो आ जाएगी। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ, वर्क डन होता है क्यू नॉट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, क्लियर है, ये हो गया जीरो, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।